सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का जो कंटेंट है वीडियो का, यू कांट बी बिलीव। यस, आप बिल्कुल बिलीव नहीं करोगे, एक अंडर ग्रेजुएट पर्सन की सैलरी 40 लाख LPA। मैं हमेशा सैलरी के ऊपर यहाँ पे काफ़ी डिस्कशन करता हूँ, तो आपको एक क्वेश्चन मार्क रहता है, या इतनी सैलरी मिलती भी है? तो यस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उस पर्सन की पूरी प्रोफाइल, उसका पूरा प्रोसीजर, जहाँ पे उसे क्रेड जैसी इंटरनेशनल कंपनी के अंदर 40 लाख रुपीज पर एनम की सैलरी मिल रही है। वो कैंडिडेट अंडर ग्रेजुएट है और आप ही की तरह छोटे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में डिस्कशन करेंगे और यहाँ पे जिस प्रोसीजर के थ्रू उस कैंडिडेट को जॉब मिली है, आपको भी जॉब मिल सकती है। सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और जो भी बेनिफिट्स हैं वो भी बताने वाला हूँ। मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर देता हूँ ये वीडियो किस पर्सन को देखनी चाहिए। यहाँ पे ये वीडियो सिर्फ वही पर्सन देखे जिन्हें रियल में जॉब की नीड है, वो 15 डेज के अंदर, जस्ट 15 डेज के अंदर जॉब चाहते हैं। इट डजेंट मैटर आपकी लोकेशन क्या है, ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे लोकेशन होने वाली है। और अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, इट डजेंट मैटर, आपने कोई सी भी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी है। अगर आपने कंप्लीट भी नहीं करी है, आप यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट हैं और जस्ट आपने 12th पास करी है और आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी, है ना? ऑसम अपडेट। अगर सारी चीजों का कंक्लूजन निकाले तो एवरी सिंगल कैंडिडेट जो इस वीडियो को देख रहा है वो जस्ट 15 डेज के अंदर एक जॉब ले सकता है। तो अब हम पहले स्टार्ट करते हैं उस पर्सन के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ, जहां पे उसको 40 लाख का पैकेज मिला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What started off as a small challenge by a friend in 8th standard changed my life and put me on the path of becoming a back-end developer. Hi, my name is Tanishk and I'm from Kanpur and I'm pursuing BTech in Computer Science and Engineering from PSIT Kanpur. I have 4 members in my family, my father, my mother and my younger sister. My father is a lawyer, my mother is a principal and my sister is in school. Tanishk बचपन से ही बहुत hardworking रहा है, मेरा और इनके पापा का बहुत सहयोग रहा है और इसने पढ़ाई में भी बहुत मेहनत करी है, दिन रात लगा रहता था। हमारा और मेरे पति का इसके साथ हमेशा आशीर्वाद रहेगा, जिससे इसका भविष्य उज्जवल हो। In order to complete the challenge, I started learning PHP and MySQL. These were a very popular tech stack at that time. After that, I started learning C++ in order to make a post-quantum messenger. The messenger was named as Quack and it enabled users to communicate in a post-quantum environment. In my entire journey, I was heavily inspired by Elon Musk, his decision-making abilities and out-of-the-box thinking. His project like SpaceX inspires me the most. I want to contribute the code which runs on different planets. It's like a different feeling. I was not expecting that I'll be one of the highest scorers at re-level test. I was fortunate enough to crack the opportunity at CRED. I'm very excited to start my new journey there. सो वेलकम बैक टू जॉब वैकेंसी रिजल्ट। दोस्तों, अभी आपने जो वीडियो देखी तनिष के बारे में, तनिष एक कैंडिडेट हैं जिसने री लेवल प्लेटफॉर्म, यस ये वही प्लेटफॉर्म है जो थोड़े टाइम पहले मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया भी था। तो री लेवल प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना एग्जाम दिया, देन उसने यहाँ पे एक अच्छा स्कोर किया, देन डायरेक्ट ही कंपनी ने उसका इंटरव्यू लिया और उसको क्रेड जैसी कंपनी के अंदर 40 लाख रुपए का पैकेज मिला। तो ये सारी चीजें आपको भी मिल सकती हैं और उसके लिए जो जो चीजें आपको करनी है मैं वन बाय वन आपको स्टेप में एक्सप्लेन कर दूंगा। पर सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि जो वन पे आते हैं उन्हें ही यहाँ पे इतना अच्छा ऑफर मिलता है। अगर आपका यहाँ पे स्कोर थोड़ा बहुत कम भी रहता है तो तब भी आपको एक अच्छे पैकेज की जॉब मिलती है और इन बिटवीन री लेवल भी आपको यहाँ पे बहुत अच्छे गैजेट्स वगैरह, बहुत अच्छे गिफ्ट भी देता है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा एक सेकंड पर्सन की स्टोरी, जहाँ पे उसे रिसेंटली री लेवल पे एक अच्छा स्कोर करने के बाद iPhone 13 भी गिफ्ट हुआ है। तो वो चीज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे वीडियो भी देख रहे हैं और अभी तक आपने सारी चीजों का कंक्लूजन देखा, तो आपको एक चीज तो क्लियर हुई, अगर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप यहाँ पे एग्जाम देते हैं आपको जॉब तो मिलेगी और साथ में कुछ गिफ्ट भी मिल सकते हैं। और अगर मैं ये कहूँ, ये एवरी सिंगल थिंग इज टोटली फ्री, आपकी जेब से एक रुपया भी नहीं जाएगा। जस्ट आपको क्या करना है, आपको अपने एफर्ट लगाने हैं, थोड़े से एफर्ट्स के अंदर आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी विद इन 15 डेज के अंदर, इतना अच्छा गिफ्ट भी मिल सकता है। और आप देख रहे हो इस पर्सन का जो सरप्राइजिंग फेस है वो भी कितनी सारी चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहा है कि इस पर्सन को कितनी खुशी और आपको कितनी खुशी होगी जब आपका सैलरी पैकेज 20 लाख 25 लाख वो भी फ्रेशर कैंडिडेट का लगेगा और अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना कॉलेज खत्म हुए अगर आपको इतनी हैंडसम सैलरी मिलती है तो आप समझ सकते हैं आपका करियर कितना बिल्ड हो सकता है। अब मैं आपको थोड़े से क्लियरली बेनिफिट्स बता देता हूँ क्यों आप री लेवल को चूज करें, वो भी आपको एकदम शॉर्ट वे में क्लियर कर देता हूँ। देखो, री लेवल एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि डिफरेंट जो कंपनी है, जो कि बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट और आपका इंजीनियरिंग जिसके अंदर बैक एंड एंड फ्रंट एंड आ जाता है, उन तीनों के अंदर जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं उनके साथ इनका टाई अप है। अब कोई भी कंपनी के अंदर हायरिंग कब होती है, जब उनको डिमांड होती है,
ठीक है, और सेकंड कोई भी कंपनी उस पर्सन को हायर करती है जिसके अंदर वो क्वालिटी जो उसको चाहिए वो मैच हो जाए। अब मेरी एक कंपनी है फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई कैंडिडेट को हायर कर रहा हूँ तो मैं अपनी क्वालिटीज पे उसे जज करूँगा, और वो पूरा प्रोसेस ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि मेरा वो काम नहीं है, मैं उतने अच्छे से उस पर्सन को जज नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे रीलेवल क्या करती है, रीलेवल अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करती है, यहाँ पे कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देती है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को कंसिडर करते हुए यहाँ पे कैंडिडेट अपना एग्जाम देते हैं, उनके एग्जाम पे इनको स्कोर मिलता है और वो डायरेक्टली मैच करवा देती है कैंडिडेट को और कंपनी को। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे रीलेवल इतने अच्छे प्लेटफॉर्म के थ्रू काम कर रही है, तो कंपनी के लिए यहाँ पे विन पोजीशन और कैंडिडेट के लिए भी विन पोजीशन है। तो एक ही विन विन कंडीशन ही यहाँ पे होती है अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं। आपको जस्ट रजिस्ट्रेशन करना है, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूँ, आप क्लिक करेंगे और आपको जो जो रजिस्ट्रेशन के अंदर स्टेप है वो सारी चीज़ें आप वीडियो में क्लियरली देख सकते हो। बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी होता है, आपको मैं जनरली बताऊँ। कुछ यहाँ पे एक दो इसके स्टेप हैं जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन करना है, अपने मोबाइल नंबर वगैरह आपको यहाँ पे ऐड ऑन करना है, देन आफ्टर क्या होगा, आपको करना है एक स्लॉट बुक। स्लॉट बुक के अंदर मतलब आप किस दिन फ्री हैं, जिस दिन इनके दिए गए टेस्ट को आप कंप्लीट करें, आपको वो स्लॉट बुक करना है। उस दिन आपको टेस्ट आएगा गिवन टाइम पे, जो डेफिनेट टाइम आपने बुक करा है, और आप उस एग्जाम को दोगे। जैसे आप अपना एग्जाम दोगे आपको स्कोर कार्ड मिलेगा जिसके अंदर आएगा आपने कितना यहाँ पे स्कोर किया। तो आप देख सकते हैं इस टाइप के काफी स्कोर कार्ड होते हैं, इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी ये शेयर करे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि आपका लेवल क्या है। अब कंपनी देखेगी कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट पे जो आपने एग्जाम दिया इतना आपने अच्छा स्कोर करा है तो आपको डायरेक्टली इंटरव्यू कॉल आएगी और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और ये पूरा जो प्रोसेस होता है जस्ट 15 डेज, ये कोई गवर्नमेंट की तरह नहीं है, एक साल दो साल लग गए सरकारी जॉब पाने में, और वो भी सैलरी आपको भी पता है आज के टाइम पे कितनी ही वो ऑफर करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में कितनी मिल रही है, 40 लाख LPA। मैं भी एकदम शॉक हो गया था क्योंकि मेजरली जो फ्रेशर कैंडिडेट को सैलरी मिलती है ना, मैक्सिमम अगर बताऊं 18-20 मिलती है। पर अगर आप डिजर्व करते हो और आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म पता है जैसे कि रीलेवल, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी सैलरी मिल सकती है। डजंट मैटर क्या कॉलेज है, क्या क्वालिफिकेशन है, डिजर्व करते हो तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है, कोई भी मन के अंदर क्वेश्चन है, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। नीचे कमेंट सेक्शन, आप कमेंट कर से हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं और हमारी टीम जल्दी से जल्दी उसका रिवर्ट बैक करेगी। और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे एक चीज जरूर बताइएगा, आपको पर्सनली रीलेवल का प्लेटफॉर्म कैसा लगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया, उसको गो थ्रू करा, वहाँ पे चेक करा, इनफैक्ट मैंने एग्जाम भी दिया। तो मेरे हिसाब से प्लेटफॉर्म ऑसम है उस हर एक कैंडिडेट के लिए जिसको रियल में जॉब की नीड है। रियल में जॉब की नीड है, आप अपने स्किल सेट पे काम करोगे, स्किल सेट अच्छा है तो डायरेक्टली कंपनी आपका स्किल सेट देखेगी और आपको हायर कर लेगी। तो जस्ट 15 डेज के अंदर गेट अ ऑसम जॉब। सो मैं सचिन चौहान आपसे मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद।